हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर प्रोडक्ट सॉल्यूशन में। जैसा कि किसान भाइयों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम एक हाइब्रिड रिसर्च धान के बीजों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि किसान भाइयों, अच्छी बीजों के बारे में बात करना ही अनिवार्य होता है, क्योंकि अब किसान भाइयों नर्सरी डालने का समय आ चुका है। आपको अच्छी बीजों की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। जब अच्छी बीजों की जानकारी रहेगी तभी आप अच्छे फसल उगा सकते हैं। तो जैसा कि सभी किसान भाई अगैती फसल चाहते हैं, कुछ किसान भाई सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और खेती करना चाहते हैं जो अगैती धान बुआई रोपाई करना चाहते हैं, उनको जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। 3377 के नाम से जाना जाता है साक्षी धान, उसे मध्यम अवधि की धान भी कह सकते हैं। 125 से 130 दिन के अंदर का धान है, जो आप जिस दिन से नर्सरी तैयार करते हैं उसी दिन से उसी अवधि से जुड़ाई की जाती है, तो कम अवधि का यह धान है, आप अगैती धान भी कह सकते हैं। जैसा कि किसान भाई, इस धान की रोपाई करने के लिए आपको क्या जरूरत होनी चाहिए? जैसे आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो 5 kg प्रति एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करना चाहिए, जिससे उपयुक्त माना जा सकता है। आपको अच्छा फायदा भी होगा, क्योंकि इसमें बालियों की संख्या बहुत अच्छी आती है। धान मीडियम गोल्ड होता है, जो वजनदार, और इसका धान, इसकी बालियाँ अच्छी आती हैं, एक सामान्य बालियाँ देखने को मिलती है, और निचले कल्ले से ही इसमें बालियाँ आना स्टार्ट हो जाती, जिसके कारण यह बालियों में सक्षम धान माना जा सकता है और एक मोटी धान के बराबर होता है। एक और इसमें मोटा धान भी आता है, कम से कम एक बालियों में लगभग आपको 350 धान तक देखने को मिलते हैं, जिससे पैदावार में इसकी कोई इफेक्ट नहीं दे सकता। इसमें अच्छे पैदावार देखने को मिलती है और कम समय में इतने पैदावार मिल जाए तो किसान भाइयों बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 से 2 ही सिंचाई देनी पड़ती है, उसके बाद यह फसल तैयार हो जाता है। जैसे अगर आप जहाँ सूखा ग्रसित जगह होते हैं, कई खेत ऐसे होते हैं ऊंचास होते हैं जिसके कारण वहाँ पानी का सुविधा कम होता है, उस जगह इस धान की रोपाई करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, कम समय में अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, लंबे अवधि की धान नहीं है, जिसके कारण आपको बहुत फायदा हो जाएगा। लंबे अवधि के धानों में फायदा तो नहीं होता, कई कई बार तो घाटा उठाना पड़ जाता, परंतु इस धान में ना रोग लगेगा ना ब्लास्ट जैसा रोग लगेगा, जिसके कारण आपको फायदा ही होने वाला। तो किसान भाइयों, ज़्यादा महंगा धान भी नहीं होता, ये 280 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। आप इसे रुपाई करना चाहते हैं अगैती धान के पर्पस में, तो आप इसे साक्षी धान का रुपाई कर सकते हैं। ये अच्छा धान माना जा सकता है किसान भाइयों के लिए और अधिक पैदावार देने वाला धान है, इसीलिए हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं। आप इसे रुपाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अच्छी जानकारी आपको हमेशा